बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास। क्लास 9 में हमारा सब्जेक्ट जनरल मैथमेटिक्स में यूनिट नंबर 1 में स्टूडेंट आपके पास परसेंटेज रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, और हमारे पास हम जो आज का टॉपिक हम कर रहे हैं वो है इनवर्स प्रोपोर्शन। काइंड ऑफ प्रोपोर्शन हमने स्टार्ट किए थे, डायरेक्ट प्रोपोर्शन किए थे, और अब हम इनवर्स प्रोपोर्शन कर रहे हैं। जी इनवर्स प्रोपोर्शन क्या है पहले तो बताएं। व्हाट इज प्रोपोर्शन? यस, द इक्वलिटी ऑफ टू रेशियो इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। देन उसकी काइंड्स आ जाती हैं, काइंड्स में कौन कौन से, डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन, कंपाउंड प्रोपोर्शन। आपने कौन सा कवर किया, डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन आप कर रहे हैं। इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है? इंक्रीज ऑफ वन क्वान्टिटी इज प्रोपोर्शन डिक्रीज इन सेकेंड क्वान्टिटी, और डिक्रीज इन वन क्वांटिटी इंक्रीज इन अदर क्वांटिटी। अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज की तरफ जा रही है तो उसके दूसरा जो रेशो होगा वो डिक्रीज हो रहा होगा, तो वो आपके पास इनवर्स प्रोपोर्शन में आ जाता है। तो इसके हमने 6 तक क्वेश्चन किया, 7, 8, 9 कर लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 7 है एक्सरसाइज 1.7 का। इन स्कूल हॉस्टल फूड फॉर 46 डेज वाज अवेलेबल फॉर 360 बॉर्डर्स, 15 बॉर्डर्स वेंट टू लॉन्ग लीव, फॉर हाउ मच लॉन्ग द फूड विल बी सफिशेंट फॉर द रिमेनिंग बॉर्डर्स। ठीक हो गया। कहते हैं एक स्कूल हॉस्टल है जिसमें स्टूडेंट स्टे करते हैं। बॉर्डर्स कौन से होते हैं? जो कि स्कूल में ही हॉस्टल्स में रहते हैं, ठीक है ना, अपने स्टडी के लिए स्कूल में रहते हैं। तो कहते हैं कि उनके लिए जो खाना मौजूद था 360 बॉर्डर्स के लिए 46 डेज का जो फूड मौजूद था। अब क्या होता है कि 360 में से 15 बॉर्डर्स छुट्टी पे चले जाते हैं, ठीक है, छुट्टी लेके चले जाते हैं। कहते हैं हाउ मच लॉन्ग द फूड विल बी सफिशेंट फॉर द रिमेनिंग बॉर्डर्स। ठीक हो गया। अब कहते हैं कि बताएं कि आपके पास खाना तो 360 बॉर्डर्स के लिए था ना, तो अब उसमें से 15 लोग चले गए हैं, तो ये खाना कितने दिनों और चलेगा? 46 डेज थे 360 बॉर्डर्स, 360 बॉर्डर्स थे, और उन्होंने कहा था कि ये खाना 46 डेज के लिए उनको दे दिया था, लेकिन अब उसमें से 15 लोग चले गए हैं, तो कहते हैं बताएं कि अब ये खाना कितने दिन चल सकता है, लोग कम हो गए हैं, ठीक है, दो लोग कम होंगे तो यकीनन फिर खाना ज़्यादा दिन चलेगा। तो देखते हैं हम बॉर्डर इन स्कूल हॉस्टल 360 बॉर्डर शिफ्ट टू अनदर 15 रिमेनिंग बॉर्डर्स 360 माइनस 15। ठीक है, बॉर्डर्स मतलब बॉर्डर्स लॉन्ग लीव पे चले गए कितने, 15, तो कितने रह गए, 345। अब हम चेक करते हैं कि ये जो 345 लोग हैं, पीपल्स हैं, ये इनके लिए कितने दिन ये खाना चलता है जो कि 360 के लिए था। अच्छा जी, लेट द फूड विल बी सफिशेंट फॉर द रिमेनिंग बॉर्डर फॉर एक्स डेज। हमने डेज फाइंड करने हैं कि अब खाना कितने दिन और चलता है। तो बॉर्डर्स कितने थे, 360 थे, डेज कितने थे, 46 थे। अब बॉर्डर्स डिक्रीज हो गए, कितने हो गए, 345, लेकिन डेज आपके पास क्या होंगे, अब इंक्रीज हो जाएंगे, लोग कम हो गए ना, तो अब लोग कम हुए, खाना तो उतना ही प्रोवाइड हो रहा है, कम होने की वजह से कुछ खाना बच भी जाएगा ना, तो इसलिए फिर वो एक्स्ट्रा नहीं कुक करेंगे, तो वो ज़्यादा दिन चलाएंगे, फिर डेज ज़्यादा ही हो जाएंगे डेफिनेटली। तो ये इनवर्स प्रोपोर्शन आ गया, ठीक है, दिस इज़ एन इनवर्स प्रोपोर्शन। 360 बॉर्डर्स रेशो 345 प्रोपोर्शन। अब हम एक्स को पहले लिख लेते हैं, ठीक है, एक्स रेशो 46 कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं मीन और एक्सट्रीम को, 345 मल्टीप्लाई बाय एक्स, 360 मल्टीप्लाई बाय 46, डिवाइड 345 ऑन बोथ साइड, डिवाइड किया, अब हमने इसको सॉल्व कर लेना है, डिविजिबिलिटी 5 अप्लाई हो रहा है, 72/69 मल्टीप्लाई 46 दोबारा से ये 3 पे डिवाइड हो रहा है, 24/23 मल्टीप्लाई बाय 46, अब ये 23 पे डिवाइड हो रहा है, तो 24 मल्टीप्लाई बाई 2x इज इक्वल टू 48 डेज, था द फूड विल बी सफिशेंट फॉर 48 डेज। ठीक है, यानी कि 2 दिन एक्स्ट्रा यूज हो जाएगा 15 लोगों के जाने से, वो खाना अब क्या है, 2 दिन एक्स्ट्रा भी वो चला लेंगे, यानी कि अब वो 48 डेज चलेगा। ठीक हो गया स्टूडेंट, तो इस तरीके से हमारे पास इनवर्स प्रोपोर्शन के क्वेश्चन होते हैं।
आपने बस थोड़ा सा उनके रेशियोज़ को आपने क्या करना होता है, देखना होता है। जब क्वेश्चन आप रीड आउट करते हो तो थोड़ा सा आपने फोकस करना होता है प्रॉब्लम पे कि क्या कहें और किस तरीके से करना है हमने। ठीक हो गया। अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एट द समर कैंप अरेंजमेंट वर मेड फॉर द बोर्डिंग ऑफ 204 पार्टिसिपेंट फॉर 18 डेज। द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इंक्रीज बाय 12। बाय हाउ मैनी डेज द प्रोग्राम शुड बी कर्टाइल्ड सो दैट द सम सेम अरेंजमेंट कुड मीट द नीड ऑफ द इंक्रीज नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट। ओके, तो आप स्टूडेंट्स क्या कह रहे हैं कि एक समय कैंप अरेंज हुआ है, ठीक है, उसमें अरेंजमेंट किए गए हैं और उसमें पार्टिसिपेंट कितने थे, 204 लोग थे। और कितने दिन उन्होंने रहना था वहाँ पे समर कैंप में, 18 डेज पार्टिसिपेंट करना था उन्होंने। अब कहते हैं कि पार्टिसिपेंट इंक्रीज हो गए, 12 पार्टिसिपेंट उसमें और आ गए, 18 से 12 और आ गए। अब कहते हैं 204 पार्टिसिपेंट में 12 पार्टिसिपेंट इंक्रीज हो गए। बाय हाउ मैनी डेज द प्रोग्राम शुड बी कर्टाइल सो डेट द सेम अरेंजमेंट शुड मीट द नीड ऑफ इंक्रीज द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट। अच्छा, अब क्या होता है ना, स्टूडेंट समर कैंप अरेंज होते हैं तो पहले से तमाम तैयारियां कर लेते हैं, उनके खाने जी ये इतने लोग हैं तो इतने दिन का खाना वो अरेंज कर लेते हैं, क्योंकि समर कैंप तो अक्सर ऐसी जगहों पे लगता है ना कि जो दूर ठंडे इलाकों में, तो वो अपनी हर चीज़ अपने साथ लेके जाते हैं तो वो पहले से अरेंजमेंट कर लेते हैं लोगों की, लोग होते हैं उनके खाने की, उनके रिहाइश की, रूम्स हर चीज़ की। अब क्या कहते हैं कि अचानक से वो कहते हैं कि 12 लोग और भर गए उसमें, 12 लोग आ गए ना, जब वो वहाँ चले गए तो 12 लोग और आ गए, लेकिन अरेंजमेंट तो उन्होंने 204 के लिए की हुई थी। अब कहते हैं कि बताएं कि हाउ मैनी डेज, अब कितने दिन लगेंगे टू कर्टाइल सो डैट दैट कुड मीट द नीड ऑफ द इंक्रीज नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट। अब कहते हैं कि कितने दिन कम कर लें वो, अब आप लोगों ने ये फाइंड करना है कि कितने दिन कम कर लें कि वही अरेंजमेंट जो हमारे पास 12 और इंक्रीज हो गए यानी कि 216 के लिए भी वही अरेंजमेंट कंप्लीट हो जाए, वह फूड पूरा हो जाए, ठीक है ना, उनको एक्स्ट्रा ना लेना पड़े। ठीक हो गया। तो आप क्या कहते हैं, पार्टिसिपेंट इन अ समर कैंप 204, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इंक्रीज, कितने इंक्रीज हुए, 12, तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट कितने हो गए, 204 + 12 = 216। लेट द अरेंजमेंट फॉर एक्स डेज, पार्टिसिपेंट पहले कितने थे, 204 थे, और उनके कितने दिन की अरेंजमेंट उनके लिए की थी, 18 डेज के लिए। अब पार्टिसिपेंट कितने हो गए, 216 हो गए। अब कितने डेज हों कि वही अरेंजमेंट फुलफिल हो जाए, ठीक है ना, एक्स्ट्रा उनको ना खर्च करना पड़े, बस उसी अरेंजमेंट में वो उन बारों को भी कर लें, ठीक है, क्या ना मैनेज कर लें। तो अब हमारे पास ही क्या उनसे प्रोपोर्शन आ गया, देखें अब 216 हो गए हैं तो डेज कम होंगे तभी वो अरेंजमेंट कंप्लीट होंगी ना, कि अगर दिन कम हो जाए तो खाना, तो खाना आप ज़्यादा देंगे तो यकीनन अब उनके पास क्वांटिटी कम होगी, तो फिर उन्होंने क्या करना है, डेज को कम करेंगे तो फिर उनके पास जो है वो अरेंजमेंट सफिशेंट हो जाएंगे। तो ये प्रोपोर्शन कौन सा बन गया, इनवर्स प्रोपोर्शन बन गया, पार्टिसिपेंट इंक्रीज हो गए तो डेज डिक्रीज हो गए, तो इनवर्स प्रोपोर्शन आ गया पार्टिसिपेंट और डेज में। ओके, 204:216 प्रोपोर्शन x:18। ओके, 216 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, वही मीन और एक्सट्रीम आप ले लें, 216x के साथ और 204:18 के साथ, 216x = 204 × 18। ओके, डिविजिबल डिवाइड करते हैं 216 बोथ साइड, अब ये डिवाइड किया, ये किस पे डिवाइड हो रहा है, 3 पे, तो हमारे पास क्या आ गया, 204 × 6/72, फिर अगेन ये किस पे डिवाइड हो रहा है, 6 × 6 = 12 × 72, अब ये अगेन 12 पे डिवाइड हो रहा है, 12 × 12 = 17 =
204. 17 मल्टीप्लाई बाय 1, x इज इक्वल टू 17 डेज. अब आपके पास वो कितने दिन आ गए, 17 डेज के लिए वो अरेंजमेंट होंगी. ठीक है, तो वो कितने दिन में अपने प्रोग्राम को कर्टाइल करेंगे, यानी कि इंटेंड कर लेंगे, कम कर लेंगे. तो 18 में से हमने माइनस किए 17, तो एक दिन. ठीक है ना, अगर वो 18 की बजाय 17 डेज करते हैं तो उनकी अरेंजमेंट कंप्लीट हो जाती हैं 216 लोगों के लिए. ठीक हो गया स्टूडेंट. तो इन्होंने कहा था कि हमें बताएं कि प्रोग्राम शुरू कर टाइल, ठीक है, हाउ मेनी डेज, कितने दिन हो में जो प्रोग्राम है उसको शॉर्ट कर लें. ठीक है, शॉर्ट कर लें, कर टाइल मीन के कम कर लें, उस प्रोग्राम के डेज को कम कर लें. तो एक दिन कम कर लेंगे, तो जो अरेंजमेंट 204 स्टूडेंट लोगों के लिए थी वो 216 के लिए भी पूरी हो जाएंगी. अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, अ रोड वाज टू बी कंस्ट्रक्ट बाय 85 लेबर्स इन 24 डेज, टू कंप्लीट द वर्क इन 28 डेज, हाउ मेनी लेबर शुड बी इंक्रीज. अच्छा जी, कहते हैं रोड बन रहा है, 85 लेबर्स काम करते हैं 24 डेज में. अब 28 डेज कहते हैं अगर वर्क टू बी कंप्लीट इन 20 डेज, ओके सॉरी दिस इज 20, द वर्क इन कंप्लीट 20 डेज, हाउ मेनी लेबर शुड बी इंक्रीज. अच्छा जी, अब 85 लेबर्स कितने दिन में काम कर रहे थे, 24 डेज में कर रहे थे. अब कहते हैं कि वही काम 28 लोगों ने करना है, 20 डेज में वर्कर्स ने करना है. तो कितने वर्कर्स इंक्रीज होंगे, ठीक है, तो कितने और लेबर्स आ जाएंगे वो 20 डेज में काम कंप्लीट कर ले. लेट द लेबर्स नीड बी एक्स, डेज कितने हैं 24, लेबर्स कितने 85, 20 है तो लेबर्स इंक्रीज हो जाएंगे ना स्टूडेंट. डेज और लेबर्स का आपके पास इन्वर्स प्रोपोर्शन आ रहा है. यहाँ पे क्या 24 डेज 85 लेबर्स काम कर रहे हैं, यहाँ पे अब दिन कम हो गए हैं और वही काम करना है, तो यकीनन इंक्रीज हो जाएगा ना, लेबर्स इंक्रीज होंगे तो काम 20 डेज में कंप्लीट होगा. अच्छा जी, क्योंकि 20 डेज में 85 लोग करेंगे तो काम तो कंप्लीट नहीं होगा, मतलब ज़्यादा ही दिन लगेंगे, तो इसलिए ये इन्वर्स प्रोपोर्शन आ गया. रेशो ले लिया 24:20 एंड एक्स रेशो 85, 20 मल्टीप्लाई बाय एक्स, 24 मल्टीप्लाई बाई 85, इसको सॉल्व किया, एक्स की वैल्यू निकाल ली, ठीक हो गया, कैंसिल किया हमने, 5 पे डिविजिबल है तो 17/4, देन 4 पे डिविजिबल है 6 मल्टीप्लाई बाय 17, एक्स इज इक्वल टू 102. ठीक है, तो कितने लेबर्स होने चाहिए, 102 लेबर्स, 102 लेबर्स होंगे तो वो 20 डेज में काम करेंगे, यानी कि 85 में और कितने लेबर्स आने चाहिए, तो हम माइनस करते हैं 102 में से 85, 17, यानी कि हमारे पास 17 लेबर्स इंक्रीज होंगे तो वो काम 20 दिन में ख़त्म हो जाएगा. उन्होंने कहा हाउ मैनी लेबर शुड बी इंक्रीज, उन्होंने ये नहीं कहा कि कितने लेबर्स हों, उन्होंने कहा कितने इंक्रीज होंगे उसमें, 85 में और कितने आने चाहिए, तो हमारे पास 102 टोटल लेबर्स आ गए, तो 102 में से हमने 85 माइनस किया, 17 लेबर्स आ गए, यानी कि 17 लेबर्स इंक्रीज हुए तो हमारे पास वो काम 20 डेज में कंप्लीट हो गया. ठीक हो गया स्टूडेंट, समझ आ गई है, हमारे पास हो गया इनवर्स प्रोपोर्शन के एक्सरसाइज 1.7, आपकी एक्सरसाइज 1.7 अब कंप्लीट हो गई है. ठीक है, कैंड यू डू ऑल दिस क्वेश्चन इन योर कॉपीज एंड सेंड योर कॉपीज टू स्कूल सो वी चेक इट. ठीक हो गया स्टूडेंट, अगर कोई क्यूरी है तो यू कैन आस्क द क्वेश्चन, काइंडली डू लॉट ऑफ प्रैक्टिस ऑन दिस क्वेश्चन. ठीक है, इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए आपका यही है कि आपने ज़्यादा फोकस उसके क्वेश्चन पे करना है. ठीक है, क्वेश्चन को रीड करें एक से दो टाइम, दो तीन दफ़ा तो ज़रूर रीड करें, फिर उनके रेशोज़ को देखें कि रेशोज़ में वो क्या कह रहे हैं, किस तरीके से आपने रेशो बनाना है, किस किन दो चीज़ों का रेशो, पहले तो आपने वो देखना है, उनके रेशोज़ आपने देख लेने हैं. अच्छा, जैसे आप यहाँ पे डेज़ और लेबर्स का रेशो था, ठीक है, फिर उनकी वैल्यूज़ ली, फिर आपने चेक करना है इनवर्स प्रोपोर्शन है या डायरेक्ट प्रोपोर्शन है. ठीक हो गया स्टूडेंट, समझ आ गया. अब आपको डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हमारे पास
अगर इंक्रीज़ हो रहा होता था, देखिए सैलरी इंक्रीज़ हो रही लोगों के पीपल्स, हमारे पास हमने एग्जांपल्स किए थे, डिफरेंट क्वेश्चंस किए थे, ठीक है ना। एक चीज़ इंक्रीज थी तो दूसरी भी इंक्रीज हो रही थी, ठीक है। क्वांटिटी इंक्रीज़ हो रही थी तो लोग ज़्यादा लोग थे तो ज़्यादा क्वांटिटी हो गई थी, कम लोग थे कम क्वांटिटी थी, ज़्यादा लोग थे ज़्यादा क्वांटिटी थी। अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे आपके पास आपने देखा कि इनवर्स प्रोपोर्शन आया, ठीक है। अगर कुछ इंक्रीज़ हो रहा था तो दूसरे रेशो में डिक्रीज की तरफ जा रहा था, अगर कहीं डिक्रीज़ हो रहा था दूसरा रेशो इंक्रीज़ की तरफ जा रहा, तो ये हो गया इनवर्स प्रोपोर्शन। तो आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, ठीक है। अगर कोई क्वेरी है तो यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।